हिट एंड रन नए कानून के आने पर बस चालकों ने बस की रफ्तार को रोक दिया है, यात्रा रुक चुकी है। वहीं आपको बताना चाहूँगा, ठिठुरती ठंड में यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि यहाँ सुबह से घंटों से बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बस है कि चलने का नाम नहीं ले रही है। कि मैं इस वक्त अलीगढ़ के गांधी पार्क बस स्टैंड पर हूँ। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बस खड़ी हुई है और यात्री इस सर्द भरे मौसम में ठिठुरते हुए परेशान हो रहे हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं किसी तरीके से कोई भी बस मिल जाए और जहां उनको जाना है वो अपने सुरक्षित पहुंच जाएं। वहीं बस चालकों का कहना है कि जब तक ये कानून सरकार वापस नहीं लेगी तब तक वो इसी तरीके से बस को नहीं चलाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं परिवहन निगम के पदाधिकारी, जानकारी लें किस तरीके ये धरना चल रहा है। क्या नाम है आपका? नहीं मुद्दे मैं यहाँ पार्किंग व्यवस्था और यहाँ स्टेशन के सारे संचालन में हूँ जी। और ये आप धरने के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो चालक बंधुओं के ऊपर जो सरकार केंद्र सरकार द्वारा 10 साल की सजा और ये 7 लाख जुर्माने का जो प्रावधान किया गया है जी, इसके विरोध में है जी। अब सरकार का कहना ये है कि जिस यात्री से दुर्घटना हुई उसको वो जो जिस वाहन से घटना घटित हुई है उसको वो छोड़कर मेडिकल आएगा तो उसको सजा कम कर दी जाएगी। अब जनता उस अगर ऐसा होता भी है तो जनता उसको खुद ही मार देगी पहले ही, क्योंकि जनता हमारी इतनी जागरूक ही नहीं है कि इसको मेडिकल पहुंचाया जाए। तो आक्रोश इतना होता है जनता में कि वो उस चालक को पहले ही मार देगी। तो उसके विरुद्ध इस हड़ताल को बुलाया गया है इनके द्वारा और इसको ये लागू कर रहे हैं 1 से 3 तारीख तक। अब इसमें सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है कि इस केंद्र सरकार ने जो कानून लागू किया है इसको वापस लें, जिससे कि ये चालकों के अंदर जो भय व्याप्त है कि किसी से भी कोई भी दुर्घटना हुई और उसको उठाने गया और उसको मार दिया गया तो उसके बाद में किसकी जिम्मेदारी होगी। अभी 7 लाख का जुर्माना जो रख रहे हैं आप या 10 साल की सजा जिसको होगी उसके परिवार का आखिर होगा क्या? इन बंदिशों की तरफ ध्यान दे सरकार कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद इसको लागू करें। क्या मानते हैं कब तक ये इसी तरीके से बसें थमी रहेंगी? ये ट्रांसपोर्ट यूनियंस ने मुझे लगता है कि 1 से 3 तारीख तक बंद बुलाया है। अब इसमें सरकार अगर हस्तक्षेप जल्दी करती है तो ये जल्दी ही गतिरोध समाप्त हो जाएगा। अलीगढ़ की जनता और यात्रियों को किस तरह का संदेश देना? अलीगढ़ की जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस समय जब 1 से 3 तक का बंद बुलाया गया है तो कम से कम घरों से निकलें और अपने जो ज़रूरी काम है उन्हीं आवश्यक कार्यों को देखते हुए अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल करें जब तक ये गतिरोध समाप्त नहीं हो जाता। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलीगढ़ के गांधी पार्क बस स्टैंड पर। जानेंगे किस तरीके से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद अब्बासी है और कहाँ जा रहे हैं आप? आगरा जाना चाह रहा था और सुबह से 3रा 4था चक्कर है मेरा। तीनों चारों चक्कर पे बस स्टैंड से भी सूचना यही मिली मेरे को कि बस नहीं जाएगी और भी कोई प्राइवेट वाहन कोई टैक्सी कुछ नहीं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हम सबों को, मुझे अकेले को नहीं बाकी बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे जिनको बहुत परेशानी हो रही है जाने के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद नाम है। कहाँ जा रहे हैं आप? आगरा जा रहा हूँ। इधर खड़े हो जाओ। आगरा जा रहा हूँ मैं 3-4 चक्कर हो गए मेरे घर से अभी तक कोई वाहन मिल ही नहीं रहा, ना छोटा ना बड़ा, बहुत दिक्कत हो रही है हमें। तो कितने घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं आप लोग? मैं 1.5 घंटा अब हो गया मुझे, मैं सुबह भी 1.5 घंटे खड़ा था, दोपहर को भी आया था मैं तो जी। मैं यहाँ नई बस्ती रहता हूँ, आगरा जा रहा था मैं। बहुत दिक्कत है, ना छोटा वाहन जा रहा ना बड़ा वाहन जा रहा। छोटा है आपका? खुशबू। खुशबू आप कहाँ जा रहे हैं आप? सिकंदरा राव। सिकंदरा राव जा रहे हैं तो सिकंदरा राव के लिए आपको बस नहीं मिली? नहीं जी। कितने घंटों से आप इंतजार कर रहे हैं? हम तो अभी आए हैं, होगा आधा घंटा करीब जी। तो एक भी बस नहीं आपको दिखी? अभी नहीं दिखी जी। आपको पता चला कि हड़ताल है चालकों की? हाँ जी। तो आप कैसे जाएंगे आप? अब देखो पता नहीं किससे जाएंगे, यहीं पे पड़े आई तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्री हैं उनका कहना है कि इस ठिठुरती ठंड में उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, एक भी बस नहीं है, घंटों इंतजार कर रहे हैं। सुबह कुछ यात्री बता रहे हैं कि सुबह से ही वो इंतजार कर रहे हैं बसों का, लेकिन बस है कि चलने का नाम नहीं ले रही है। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस राघव के साथ राजीव राजपूत, DNSP न्यूज़ अलीगढ़।